आज हम बात करेंगे कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट कैसे बनाया जाता है। जैसा कि हमें पता है, भारतीय कंपनी अधिनियम 2013 अनुसूची थर्ड और भाग फर्स्ट में बनता है चिट्ठा, और सेकंड भाग में बनता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का जो प्रारूप निर्धारित किया गया है कंपनी अधिनियम में, वो निम्न प्रकार है। इसी प्रारूप में प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाया जाता है। इसके अलावा जिस प्रकार हमने बैलेंस शीट के अंदर प्रारूप देखा था, उसके अंदर भी निश्चित मदें थी, वहां भी हमारे निश्चित मदों की राशि ज्ञात करने के लिए हमें नोट टू अकाउंट बनाना पड़ता था। ऐसे ही यहां पर भी ये सब शीर्षक और उपशीर्षक हैं, और इन सब शीर्षकों के अंदर राशि ज्ञात करने के लिए नोट टू अकाउंट बनाया जाएगा। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट की। तो इसका प्रारूप वही है जो हमारे बैलेंस शीट का होता है, पर्टिकुलर सॉरी सबसे ऊपर नेम ऑफ द कंपनी, फिर स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, फिर उसके बाद फॉर द ईयर एंडेड, और उसके बाद सन आएगा कौन से सन में ये बनाया जा रहा है। पार्टिकुलर्स इसके चार जो है भाग हैं, नोट नंबर्स, करंट ईयर अमाउंट और प्रीवियस अमाउंट। जिस तरह से हमारे बैलेंस शीट दो भागों में बटी हुई होती है, ऐसे ही हमारा रिवेन्यू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दो भागों में बटा हुआ था। मोस्टली एक भाग इनकम का कहलाता है, दूसरे भाग खर्चे का कहलाता है। हम देखें ये फर्स्ट और सेकंड जो है इनकम है, और फोर्थ भाग जो है वो एक्सपेंसेस के हैं। चलिए हम बात करते हैं आगे। तो फर्स्ट भाग में दो इनकम के दो पार्ट किए हुए हैं, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन यानी परिचालन क्रियाओं से आय, और अदर इनकम, इसके अलावा अन्य इनकम। परिचालन क्रियाओं से आय क्या है? व्यापारी जिस कार्य के लिए व्यापार कर रहा है, जिस उद्देश्य के लिए व्यापार को स्थापित किया गया है, कंपनी को स्थापित किया गया है, वो जिसका मूल कार्य है, अगर उससे उसे इनकम होती है तो उसे हम कहते हैं रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। और इसके अतिरिक्त अन्य इनकम होती है उसकी किसी भी रूप में, उधर हम उसे हम अदर इनकम कहते हैं। तो हमारी सबसे पहले बात आती है संचालन क्रियाओं से आगम प्राप्ति, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमारे दो प्रकार की जो है कंपनियां होती हैं, एक होती है गैर वित्तीय कंपनियां और दूसरी होती है वित्तीय कंपनियां। पर क्या है, वित्तीय कंपनी की बात करें तो वो कंपनी जो केवल मुद्रा में व्यापार करती है, मुद्रा का लेन देन करती है, वस्तुओं सेवाओं का नहीं बल्कि मुद्राओं का। तो इसके सबसे अच्छे उदाहरण जो है हमारे पास वो है इसके बैंक और बीमा। बैंक और बीमा की जो क्षेत्रीय कंपनियां होती हैं उनका कार्य पैसे का लेन देन करना होता है। जैसे बैंक आपके ग्राहक के पैसे को जमा करती है और उसी पैसे को लोन दे देती है ज्यादा ब्याज पर, तो इसी तरह बीमा कंपनियां भी काम करती है, लोगों के बीमा करती है, बदले में उनसे पैसे लेती है, और जब किसी का बीमा पूरा हो जाता है उसको भुगतान करती है, या कोई दुर्घटना होती है या क्लेम होता है तो उसको भुगतान में पैसे देती है। तो ये बीमा कंपनियां होती हैं, इन्हें हम वित्तीय कंपनियां कहते हैं, जिनका कार्य वित्त का होता है, धन का। और इसके अलावा जितनी भी कंपनियां होती हैं जो वस्तुओं का व्यापार करती हैं, माल का क्रय विक्रय करती हैं या सेवाओं का क्रय विक्रय करती हैं, अपनी सेवाएं देती हैं, उन्हें हम गैर वित्तीय कंपनियां कहते हैं। तो दो भागों में बांटा गया है वित्तीय कंपनियों को, और सॉरी कंपनियों को। तो गैर वित्तीय कंपनी में हमारी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन क्या कहलाएगी?
कंपनी जिस कार्य के लिए स्थापित की गई है उस कार्य को करने से प्राप्त होने वाली आय उसकी संचालन क्रियाओं से आय कहलाएगी। जैसे कोई उत्पादन करने वाली कंपनी है, वस्तुओं का विक्रय करने वाली कंपनी है, तो जो सेल्स जो होगा माल के विक्रय से जो प्राप्ति होगी उसे हम कहेंगे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन सेल्स। अब यहां माल का क्रय विक्रय हो रहा है तो माल के अंदर एक चीज और होती है, माल वापसी, सेल्स रिटर्न। तो सेल्स रिटर्न का क्या करें, यहां सेल्स से आज से शुद्ध सेल्स है इसलिए हम इसमें से सेल्स रिटर्न को लेस करेंगे। ग्रोस सेल्स अगर दी हुई है तो ग्रोस सेल्स में से सेल्स रिटर्न को लेस किया जाएगा और उसके बाद जो राशि आएगी वही रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन के अंदर दिखाएंगे। दूसरी बात आती है, माल का विक्रय नहीं कर रही कंपनी बल्कि सेवाओं का विक्रय कर रही है, तो सेवाओं से जो उसे इनकम प्राप्त होती है, आय प्राप्त होती है, वो इसके अंतर्गत आएगी या फिर अन्य संचालन क्रियाओं से भी कुछ प्राप्त हो सकता है। जैसे हमारे यहां माल का विक्रय कर रहे हैं, माल का उत्पादन कर रहे हैं, बना रहे हैं और कुछ माल डिफेक्ट हो जाता है, घटिया किस्म का बन जाता है, कुछ कमियां रह जाती हैं, तो उस माल का क्या किया जाए, तो कंपनी उस माल को भी क्या करती है, डिफेक्ट मानते हुए वो कम दामों पर बेच देती है, जिसे हम बोलते हैं सेल्स ऑफ स्क्रैप, अवशेष माल का विक्रय या दूषित माल का विक्रय। अवशेष दूसरी चीज को कहते हैं इसे, कि जैसे वस्तु का उत्पादन हो रहा है तो उसका जो अवशेष बच जाता है, जैसे लकड़ी का निर्माण कर रहे हैं, लकड़ी के फर्नीचर बना रहे हैं, उसके लकड़ी के टुकड़े बच गए या पुराना बच गया तो उसको बेचा जाता है, तो उससे अगर इनकम हो रही है तो वो भी संचालन क्रियाओं से इनकम में आएगा, सेल्स ऑफ स्क्रैप। या कोई सेवा करने वाली कंपनियां हैं जो सेवाएं प्रदान करती हैं और बदले में उनको कोई कमीशन मिल रहा है, रिसीव हो रहा है, तो उसे भी हम संचालन क्रियाओं से प्राप्ति में दिखाएंगे। इनको एक साथ लिखा जाता है। जिस प्रकार नोट बनाया जाता है ये सारी गणना नोट में होगी, यहां नहीं लिखेंगे, संपूर्ण गणनाएं नोट में की जाएंगी। अब दूसरी बात आती है वित्तीय कंपनियों में। वित्तीय कंपनियों में ना तो माल बेचा जाता है ना सेवाएं दी जाती हैं, तो वित्तीय कंपनियों के अंदर इनकम कैसे होती है, क्या आय का स्रोत होता है, तो वित्तीय कंपनी में आय का स्रोत होता है, एक तो ब्याज प्राप्त करती है, जैसे बैंक लोन देती है और बदले में बैंक को ब्याज मिलता है तो वो उसकी इनकम हो गई, या डिविडेंड रिसीव्ड किया। जैसे बीमा क्षेत्र की कंपनियां हैं वो हमारे द्वारा दिए गए प्रीमियम को विभिन्न कंपनियों में इन्वेस्ट करती है, विनियोग करती है, और वहां से उन कंपनियों से उन क्षेत्रों से उसे इनकम प्राप्त होती है डिविडेंड के रूप में। जैसे हम एक कंपनी होती है वो अपने अंशधारियों को लाभांश बांटती है, तो एक बीमा कंपनी दूसरी कंपनी के अंशों को क्रय करती है, इन्वेस्टमेंट करती है और उससे लाभांश प्राप्त कर सकती है। तीसरा होता है विनियोगों के विक्रय से शुद्ध लाभ या हानि। अगर किसी बैंक या बीमा कंपनी ने किसी अन्य कंपनी के अंश क्रय किए हुए हैं या कहीं ऋण पत्र क्रय किए हुए हैं, विनियोग किया है, तो उन विनियोगों को बेचा जाता है, कंपनी को आवश्यकता है पैसे की और विनियोग को बेच रही है, तो विनियोग को बेचने से लाभ हो रहा है या हानि हो रही है, दोनों ही जो है लाभ हो चाहे हानि हो दोनों ही वित्तीय कंपनी की संचालन क्रियाओं से आय मानी जाएगी। हानि होगी तो नेगेटिव और लाभ होगा तो पॉजिटिव के रूप में, तो यह आएगा प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट के रूप में। लेकिन ये कहां दिखाना है, केवल अगर प्रश्न में लिखा हुआ है कि वो वित्तीय कंपनी है तो हम इन सब को क्या मानेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ये दो भाग होते हैं। अब इसके अंदर गैर वित्तीय कंपनियों के अंदर एक चीज और होती है, उत्पादन शुल्क।
अगर कोई उत्पादन करने वाली कंपनी है वह उत्पादन शुल्क लगा है तो उस उत्पादन शुल्क को रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञात करते समय घटा दिया जाएगा, लेस किया जाएगा, एक्साइज ड्यूटी जो है उसे लेस करेंगे। अब इसके बाद आती है इसके सेकेंड भाग की अदर इनकम। तो अदर इनकम में इन इनकम के अलावा बाकी जितनी भी इनकम होगी वो सब इसी के अंदर आएगी। लेकिन ये ध्यान रहे, एक गैर वित्तीय कंपनी के लिए ये रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में आता है, तो वही इंटरेस्ट रिसीव, डिविडेंड रिसीव, विनियोगों के शुद्ध लाभ से विनियोगों के विक्रय से शुद्ध लाभ या हानि जो है वो अन्य आय में आएगा। कहेंगे ये सारे सारे अन्य आय कहलाएगी। किन के लिए? गैर वित्तीय कंपनी है जैसे मशीन मार्स लिमिटेड है और उसने ब्याज प्राप्त किया तो कहां दिखाएंगे हम उसे? रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में या अदर इनकम में? उसे हम दिखाएंगे अदर इनकम में, क्योंकि वो कैसी कंपनी है? गैर वित्तीय कंपनी। अगर यही चीज हम कहते हैं कि एक बैंक ने ब्याज प्राप्त किया तो हम उसे रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में दिखाएंगे। तो ध्यान रहे, ये जितनी भी इनकम है, इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, एक गैर वित्तीय कंपनी के लिए वो अन्य आय में शामिल होगा। तो अन्य आय में क्या क्या आएगा गैर वित्तीय कंपनी में? इंटरेस्ट रिसीव्ड, डिविडेंड रिसीव्ड, प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट या लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट, या इसके अंदर प्रॉफिट ऑन सेल्स ऑफ फिक्स्ड असेट्स बेचा जा रहा है तो इसके, सॉरी, लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट्स में नहीं आएगा, इधर लॉस ऑन सेल्स ऑफ इन्वेस्टमेंट वित्तीय कंपनी में तो आय में तो शामिल होता है लेकिन गैर वित्तीय कंपनी की अदर इनकम में नहीं आएगा, वो अदर एक्सपेंसेस में चला जाएगा। यहां ध्यान रखना है प्रॉफिट ऑन सेल्स, केवल प्रॉफिट आएगा, आय आएगी, नेगेटिव नहीं। हस्तांतरण शुल्क है, ट्रांसफर फीस, नाम अलग है इसका, शुल्क लग रहा है लेकिन ये इनकम होती है। ट्रांसफर फीस क्या होती है? जैसे विद्यार्थी जब एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाता है तो उसकी टीसी कटती है और टीसी के बदले में स्कूल को भुगतान की जाने वाली राशि, ऐसे ही हमारे यहाँ कंपनियों में भी हस्तांतरण शुल्क लगता है। ट्रांसफर जब होता है तो कंपनी के लिए वो क्या हो गई? इनकम। अपलिखित किए गए विविध लेनदार, लेनदारों में यदि कमी आती है भुगतान करने के अलावा तो उसे कहते हैं क्रेडिटर का कम होना फायदेमंद होता है, तो उसे भी हम अदर इनकम मानते हुए दिखाएंगे। ऐसे ही ऋण उपलब्ध करवाने की फीस कंपनियों में, बैंकों में होती है, बैंक लोन देती है, तो बैंकों के अंदर भी यदि लोन लिया जाता है तो उसकी प्रोसेसिंग फीस लगती है, तो उस प्रोसेसिंग फीस को कहां दिखाया जाएगा? अदर इनकम में। टैक्स रिफंड है, किस साल यदि कंपनी ने ज्यादा टैक्स जमा करा लिया तो वो रिफंड मिलता है वापसी, तो उस वापसी को, उस पर प्राप्त ब्याज को कहां दिखाया जाएगा? अदर इनकम में। न्यूज़पेपर या पत्र पत्रिकाओं आदि को बेचने से प्राप्त राशि, कंपनी के अंदर रद्दियां इकट्ठी हो जाती हैं, अवशेष माल इकट्ठे हो जाते हैं तो उनको बेचने से जो राशि प्राप्त होगी, अवशेष ये अलग है, सेल्स ऑफ पेपर अलग है, जिससे कार्टून्स इकट्ठे हो गए उनको बेचने से या पत्र पत्रिकाएं बेचने से, प्रोजेक्ट परामर्श से आए हैं इनकम है ये, और ऐसे ही डूबत ऋण के आयोजन के आधिक्य का पुनर्लेखन, हमने प्रोविजन्स बनाए डूबत ऋण के, प्रोविजन फॉर बैड डेब्ट्स या डाउटफुल डेब्ट्स का, और हम उस प्रोविजन को कम कर रहे हैं, बढ़ा नहीं रहे, बढ़ाएंगे तो एक्सपेंसेस में जाएगा, कम कर रहे हैं तो कम कर रहे हैं फायदेमंद बात है, तो उसे हम कहां दिखाएंगे? उस कमी की जाने वाली राशि को
अदर इनकम के रूप में शो किया जाएगा। तो इस तरह से हमारा दो भागों में बटा होता है, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन और अदर इनकम। इन दोनों का योग ही टोटल रिवेन्यू कहलाता है। और इनके लिए हमें क्या बनाना पड़ेगा, नोट टू अकाउंट गणना करने के लिए। तो ये इसके हेड है। अब बात करेंगे हम एक्सपेंसेस की। एक्सपेंसेस में कौन कौन से एक्सपेंसेस आते हैं, तो मुख्य रूप से देखें तो हमारे यहां पर 7 प्रकार के एक्सपेंसेस दिए हुए हैं। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड, ये तीनों नाम एक साथ हैं इसके। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, फाइनेंस कॉस्ट, डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन और अदर एक्सपेंसेस, ये एक्सपेंसेस का भाग है। तो इसकी हम बात करते हैं। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस में हमारे मुख्य रूप से 7 एक्सपेंसेस दिखाए हुए हैं। सबसे पहले बात करते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड जो है क्या चीज है, ये सामग्री, मटेरियल को बोलते हैं सामग्री, कंज्यूम का मतलब उपयोग में आई सामग्री की लागत। ये जो एक्सपेंसेस हैं वो केवल निर्माणी जो संस्थाएं होती हैं, निर्माण जहां होता है वस्तुओं का वहां होता है, कच्चे माल से माल को तैयार किया जाता है। तो कच्चे माल के लिए जिन वस्तुओं की आवश्यकता होती है उसकी जो लागत आई है उसको हम कहते हैं कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड। तो इस कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड के गणना कैसे की जाती है, इसके अंदर देखो ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। अब जब स्टॉक की बात आई है तो स्टॉक हमारे 3 प्रकार के होते हैं। एक कच्चे माल का, दूसरा होता है अर्ध निर्मित माल, और तीसरा स्टॉक होता है निर्मित माल। हमारे 3 स्तर पर स्टॉक हो सकते हैं, कच्चे माल का, अर्ध निर्मित माल का, निर्मित माल का। ये तीनों स्टॉक होते हैं केवल वहां जहां जिस कंपनी के अंदर वस्तुओं का निर्माण किया जा रहा है। तो इसके सबसे पहला आता है कच्चा माल, क्योंकि बिना कच्चे माल के वस्तुओं का निर्माण नहीं होगा। तो कच्चे माल, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल, शुरुआत में कितना कच्चा माल था, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, उस लेखा वर्ष में कितना कच्चा माल क्रय किया गया, और उसमें से घटाते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल और कितना माल हमारा बच गया। इसको हम इस तरह समझेंगे, जैसे हमारे पास शुरू में 10,000 है, हम चीनी बनाने के लिए लेते हैं, तो चीनी बनाने के लिए सबसे ज्यादा आवश्यकता होती है कच्चे माल की गन्ने के रूप में। तो गन्ने 10,000 रुपए का गन्ना हमारे वर्ष के प्रारंभ में स्टॉक में था, और उस साल हमने 1,00,000 रुपए मूल्य का गन्ना और खरीदा साल भर में, और लास्ट में हमारे जब हम लेखा वर्ष की समाप्त हो गया और हमारा बैलेंस प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बढ़ा रहे हैं, तब हमारे पास 15,000 रुपए का गन्ना बच गया। तो गणना में क्या करनी है कि हमें इस साल जो है कच्चे माल से यानी गन्ने से चीनी बनाने में कितना गन्ना उपयोग में लिया। तो उसकी गणना इसी प्रकार होगी, शुरू में कितना गन्ना था, कितना हमने खरीदा, कुल गन्ना हो जाएगा, और उसके बाद जितना बच गया उसको घटा देंगे तो बाकी का बचा हुआ हमने क्या कर लिया, चीनी बनाने में काम में ले लिया। तो यहां भी इस तरह से शुरू में हमारे पास 10,000 का गन्ना था और हमने 1,00,000 का गन्ना और खरीदा, और 15,000 का गन्ना हमारे पास बच गया। तो हमारे इस साल जो है हमने गन्ने से चीनी बनाने में कितने रुपए का गन्ना काम में लिया, 95,000 का। तो ये कहलाएगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम।
कि सामग्री के निर्माण में कितने रुपए की लागत आई। इसमें एक चीज ध्यान रखनी है, चूंकि गन्ना खरीदा जाता है, परचेज ऑफ रॉ मटेरियल, अगर कोई रॉ मटेरियल खरीदा जा रहा है और उस खरीदे गए रॉ मटेरियल पर कोई खर्चा आ रहा है, कि रॉ मटेरियल जहां से खरीदा जाएगा वहां से खरीद कर और अपने कंपनी के गोदाम तक या फैक्ट्री के गोदाम तक लाने तक जो भी खर्चा होगा वो उसके खर्चे उस परचेज की लागत का एक भाग होंगे। इसलिए ध्यान रखना है हमें एक चीज और, कि इसके अंदर एक वर्ड और जोड़ देते हैं हम, प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अर्थात ओपनिंग स्टॉक रॉ मटेरियल प्लस परचेज ऑफ रॉ मटेरियल प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक रॉ मटेरियल। तो यह ध्यान रहे, जैसे उदाहरण क्या है, कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस की रेलवे भाड़ा, कैरिज इनवर्ड, कैरिज दो प्रकार के होते हैं, इनवर्ड और आउटवर्ड। तो आउटवर्ड तो हमारे चला जाएगा अदर एक्सपेंसेस में, लेकिन इनवर्ड जो है यहाँ हमारे कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में आएगा, रेलवे भाड़ा है, चुंगी है, तो ये सब आपके इसके डायरेक्ट एक्सपेंसेस के रूप में इसमें जुड़ जाएंगे। तो इससे जो राशि निकल के आएगी वो आएगी कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड, और इसकी गणना भी नोट टू अकाउंट के अंदर की जाएगी। जैसा हमने ये लिखा है इसी प्रकार गणना करेंगे, नोट टू अकाउंट बनाएंगे और जो राशि आएगी उसको हम कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम में लिखेंगे। तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम क्या है, कि कच्ची सामग्री से निर्मित कर रहे हैं माल, वहां पर हमने इस साल कितनी सामग्री काम, कच्ची सामग्री काम में ली, उसकी गणना लागत निकालते हैं। दूसरी बात आती है हमारी इसके बाद परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, ये इसके ठीक विपरीत है। यहां तो हमने गणना कर रहे हैं कि हम तैयार माल करने के लिए कितना कच्चा माल काम में लिया, और जहां निर्माण नहीं हो रहा हो केवल वस्तु को क्रय किया जाता है फिर बेच दिया जाता है, खरीदा और बेचा। तो खरीदा और बेचा जहां होता है वहां पर ही मिलेगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, कि इस साल हमने कुल कितना माल क्रय किया, किस लिए, बेचने के उद्देश्य से। उद्देश्य दो होते हैं, माल क्रय किया और हमने किसी और काम में ले लिया, तो वो इसके अंदर नहीं आएगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में, क्योंकि हमने माल को बेचने के लिए नहीं खरीदा। लेकिन यदि उस माल को बेचने के लिए खरीदा है तो वो परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड में आएगा। अब इसमें ध्यान रखना है परचेज रिटर्न को लेस करना है, तो ये दो एक ही संस्था में नहीं पाई जाती सामान्य तौर पर, किसी की संस्था कंपनी के अंदर हो सकता है ये दोनों हो, लेकिन जहां निर्माणी होगी वहां मिलेगा कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम याद करेंगे, और जहां निर्माणी संस्थाएं नहीं होंगी, जहां वस्तु को खरीद कर बेचा जाता है कंपनियों में, वहां मिलेगा परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड। अब इसके बाद आती है हमारी स्टॉक, चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश्ड गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस स्टॉक इन ट्रेड, जिसमें आप बताया इसके अंदर स्टॉक हमारे तीन स्तर पर होते हैं, कच्चे माल में, अनिर्मित माल में और निर्मित माल में। यहां हमारे अंदर ये तीनों स्टॉक इसके अंदर आ रहे हैं, और इन तीनों स्टॉकों में क्या परिवर्तन आ रहा है ये इसके अंदर आएगा। लेकिन इसके अंदर भी ध्यान रहे, क्योंकि हमारा ये रॉ मटेरियल का स्टॉक है जो इसके अंदर शामिल हो चुका, तो वो चेंज इन इन्वेंटरीज के अंदर नहीं आएगा। अर्थात यहाँ चेंज इन इन्वेंटरीज में दो स्टॉक लिखे हैं, फिनिश गुड्स का और अनिर्मित माल वर्क इन प्रोग्रेस का, कच्चे माल का नहीं लिखा, कच्चे माल की जगह हमने ये लिख दिया स्टॉक इन ट्रेड। क्यों लिखा उसका बताता, जिस तरह हमारे ये दो बातें की हमने, कि
निर्माणी संस्था है तो कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम ज्ञात किया जाएगा, और बनाकर के बेचने सॉरी बनी बनाई बेचती है वस्तु क्रय करके तो वहां परचेज ऑफ स्टॉक एंड ट्रेड होगा। जहां निर्माणी संस्था होगी वहां तो तीन स्टॉक होंगे, तीन स्टॉक होंगे तो उनका तीनों का अंतर लिया जाएगा। तो रॉ मेटेरियल का अंतर तो हम यहां ले चुके हैं, कॉस्ट ऑफ मेटेरियल कंज्यूम में आ चुका ना, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल और उसमें से घटा दिया हमने क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मेटेरियल, अंतर ले चुके हैं। लेकिन अभी हमने अनिर्मित और निर्मित माल का नहीं लिया, तो जहां निर्माणी संस्था होगी वहां मिलेगा फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस का अंतर भी लेना है दोनों का। लेकिन जहां निर्माणी संस्था नहीं है वहां पर हमारे वस्तुओं का क्रय करके बेचा जाता है, विक्रय किया जाता है, तो वहां सिर्फ एक ही स्टॉक होता है, और वहां एक ही स्टॉक होता है तो यहां हमने केवल परचेज लिखी है, स्टॉक का तो नहीं लिखा, ओपनिंग और में से क्लोजिंग नहीं घटाया, इसलिए हम स्टॉक इन ट्रेड ये वर्ड है जिससे रिलेटेड है, अर्थात परचेज जिस वस्तु का क्रय किया है हमने उसके जो स्टॉक है उसका अंतर यहां पर आएगा। तो अंतर कैसे लिखा जाएगा उसकी गणना नोट टू अकाउंट में इसी प्रकार की जाएगी, नोट नंबर डालेंगे जैसे तीन है चार है जो भी नोट नंबर डाल देंगे, और चेंज इन इन्वेंटरी वर्क इन प्रोग्रेस फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड अंडरलाइन करेंगे, और अंतर जैसे निकाला जाता है ओपनिंग स्टॉक में से क्लोजिंग स्टॉक को लेस किया जाता है, घटाया जाएगा, और इनमें से दोनों भी जो ज्यादा होगा वो लिखेंगे। अगर कोई नेगेटिव आता है जैसे फिनिश गुड्स का ओपनिंग स्टॉक 12,000 है क्लोजिंग स्टॉक 10,000 है तो इनमें अंतर करके लिए कितने लिख देंगे 2,000। वर्क इन प्रोग्रेस ओपनिंग 5 है क्लोजिंग 7 है कितना लिखेंगे ऋणात्मक। अब जो कि घटाने वाले हैं उनको ब्रैकेट में लिखे तो ज्यादा अच्छा है, ऋणात्मक आ गया। स्टॉक ट्रेड 10 है और ये आपके आ जाता है 4,000, ये 6,000 हो गया, तीनों का योग करें 6,000 पॉजिटिव हो जाता है, और ये 6,000 रुपए की राशि हम यहाँ लिखेंगे चेंज इन इन्वेंटरीज ऑफ फिनिश गुड्स वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड और 6,000 की राशि। लेकिन या तो आपकी ये दो स्टॉक आएंगे या फिर ये अकेला ही आएगा, तीनों एक साथ नहीं आएंगे। किसी किसी कंपनी में हो सकता है जहां दोनों ही चीजें होती हो, निर्माण भी होता हो और कुछ वस्तुओं को खरीद कर बेचा भी जाता हो, तो वहां दोनों प्रकार के स्टॉक मिल सकते हैं, रेयर केस होंगे। तो ये इन्वेंटरीज हैं, ध्यान रहे। इसके बाद आता है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस, कर्मचारियों की संबंधित जो खर्चे होंगे, एक कंपनी कर्मचारी पर क्या क्या खर्चा करती है वो इसके अंतर्गत दिखाए जाएंगे। जैसे कर्मचारियों को वेतन दिया जाता है या उनको मजदूरी दी जाती है, डेली वेजेस वाले हैं जो वेजेस मिलेगा मजदूरी, और जो मंथली जिनको रेगुलर रखा हुआ है उनको वेतन मिलेगा, इसके अलावा बोनस मिलता है कंपनी में, छुट्टियों के बदले में नगद राशियां मिलती हैं भुगतान कंपनियों के अंदर। इसके अलावा हम और भी खर्चे होते हैं कंपनी जो करती है अपने कर्मचारियों पर, जैसे कर्मचारी के कल्याण के लिए वे किए जाते हैं एम्प्लॉय वेलफेयर एक्सपेंसेस, जैसे किसी कैंटीन का खर्चा है कर्मचारियों को कंपनी अपनी तरफ से नाश्ता करवाती है, लंच देती है या डिनर देती है या चाय पीने के लिए खर्चा करती है, या कर्मचारियों को चिकित्सा व्यय का खर्चा करती है, प्रत्येक कर्मचारी की मेडिकल पॉलिसी बना रखी है और उसका प्रीमियम का भुगतान कंपनी करती है, या हो सकता है कंपनी ने प्रत्येक कर्मचारी को ये दिया हुआ है कि उनका जो भी खर्चा आएगा उसके परिवार का मेडिकल संबंधी वो कंपनी वहन करेगी, तो उसके लिए फंड बना सकती है, या कोई खर्चा है तो वो खर्चा कर सकती है। शिक्षा से संबंधित कर्मचारियों के प्रशिक्षण पर किया जाने वाले व्यय है, तो ये सब चीजें इसके अंदर आती हैं। इसके अलावा
कर्मचारी भविष्य निधि एवं अन्य कोषों में अंशदान, प्रोविडेंट फंड भविष्य निधि, ये ध्यान रखना है। प्रोविडेंट फंड नाम फंड है, क्या होता है, कर्मचारी अभी काम कर रहा है, एक समय पश्चात रिटायर होगा, तो रिटायरमेंट के बाद उसको कुछ पैसे कंपनी देगी, इकट्ठा करती है। भारत सरकार के श्रम मंत्रालय के गाइडलाइन के अनुसार प्रत्येक कंपनियां जहां पर एक निश्चित संख्या में कर्मचारी काम करते हैं, वहां प्रत्येक कर्मचारी जिसकी मूल वेतन 15,000 से कम है, उनका एक निश्चित प्रतिशत, संभवतः ये 10% है, निश्चित प्रतिशत कंपनी काटेगी कर्मचारी के से, और उतना ही पैसा कर्मचारी का कंपनी अपनी तरफ से भी जमा कराएगी। जैसे एक कर्मचारी की 12,000 का है, तो उसका 10% 1,200 रुपए जो है कंपनी काटेगी सैलरी से, और 1,200 रुपए ही कंपनी अपनी तरफ से जमा कराएगी, अर्थात उसके 2,400 रुपए जमा कराए जाएंगे भविष्य निधि खाते में, जिसमें आवश्यकता पड़ने पर कर्मचारी कुछ विशेष परिस्थितियों में निकाल सकता है, या जब रिटायर होता है तो उसमें इकट्ठा हुआ पैसा उसे मिलता है। तो ये फंड है, लेकिन इसमें कौन सा अंशदार आएगा, ये नियोक्ता का, नियोक्ता का यानी मालिक का, कंपनी का जो अंशदान होगा, या अन्य कोई कोष बना रखे कर्मचारियों के, तो उसमें अगर कोई अंशदान दी कंपनी करती है अपनी तरफ से कर्मचारियों के लिए, तो उसे भी हम एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस के रूप में दिखाएंगे। या फिर ग्रेजुएटी फंड है बनाया हुआ है, जो रिटायरमेंट के बाद कर्मचारी को दिया जाएगा एक मुश्त राशि, वो इसके अंदर आएगी, या कर्मचारी संबंधित कोई भी खर्चा हो वो इसके अंदर आएगा। इसके बाद आता है फाइनेंस कोस्ट, पांचवे नंबर पर आता है फाइनेंस कोस्ट, वित्तीय लागत। एक कंपनी को धन की आवश्यकता होती है, और धन जो है दो स्रोतों से मिलता है, आंतरिक और बाह्य। आंतरिक स्रोत में कंपनी के अंशधारी आते हैं, और बाह्य स्रोत में ऋण। तो ऋण को प्राप्त करने के लिए किए जाने वाले व्यय, या ऋण को प्राप्त करने के बदले में किए जाने वाले खर्चे, उनको हम वित्तीय कोष्ट के अंदर, वित्तीय लागत के अंतर्गत शामिल करते हैं। जैसे फाइनेंस कोष्ट को दो भागों में बांट दिया, एक तो है ब्याज संबंधी खर्चे, अर्थात ऋण लिया है तो ब्याज चुकाना पड़ेगा, तो ब्याज जो चुकाया जाता है, चाहे वो लोन लेकर के या ऋण पत्रों पर ब्याज दिया गया है, या बैंक ओवरड्राफ्ट के रूप में जो सुविधा मिली है उसके रूप में ऋण प्रदान ब्याज दिया गया है, या कैश एंड क्रेडिट की जो सुविधा दी गई है बैंक द्वारा, उस पर जो ब्याज बनता है वो दिया जा रहा है, तो वो इस फाइनेंस कोस्ट के अंदर आएगा। इंटरेस्ट पेड यानी चुकाया गया, और इसके अलावा बाकी की और कौन से खर्चे होते हैं, तो अन्य ऋण लेने की भी लागत है। जैसे आपने ऋण पत्र जारी किए, ऋण पत्र जारी करते हैं, तो ऋण पत्रों के संबंध में दो चीजें हैं, एक ऋण पत्र बट्टे पे जारी किया है। बट्टे पे जारी करने का मतलब क्या होता है कि 10 रुपए का ऋण पत्र आपने 9 रुपए में दे दिया, अंकित मूल्य 10 का, और दिया कितने में, 9 रुपए में। पैसा 9 रुपए आएगा कंपनी के पास, लेकिन जब ऋण पत्र का भुगतान किया जाएगा, कितने रुपए भुगतान करेगी ऋण कंपनी, 10 रुपए का, तो 1 रुपए तो यही लॉस हो गया। तो इसे हम कहते हैं डिस्काउंट ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर, या लॉस ऑन इश्यू ऑफ डिवेंचर। तो इस हानि को राइट ऑफ कर रहे हैं, अपलिखित कर रहे हैं जिस वर्ष, उस वर्ष वो फाइनेंस कॉस्ट के अंदर। अब इस 1 रुपए, मान लो जिसमें 10,000 ऋण पत्र जारी किए,
तो 10,000 हो गए। अब इससे जरूरी नहीं एक वर्ष में एप्लीकेट किया जाए, इसको हमने 2,500 के 4 भाग कर दिए, तो इस वर्ष 2,500 रुपए एप्लीकेट होंगे, तो यहाँ हम लिख इसके अंदर फाइनेंस कॉस्ट भी 2,500 लेके जाएंगे। तो इस प्रकार पहला ये होता है। दूसरा प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर, अर्थात हमने ऋण पत्र जारी किए और उसके बाद हम उसका भुगतान कर रहे हैं, भुगतान अंकित मूल्य पे होता है लेकिन अंकित मूल्य से अधिक मूल्य पे भुगतान किया जा सकता है। जैसे हमने भुगतान में कितने रुपए दे दिए, 12, अंकित मूल्य 10 रुपए और भुगतान में दे रहे कितने हैं, कंपनी 12 रुपए दे रही है अपने ऋण पत्र धारियों को, तो 2 रुपए कंपनी को ज्यादा देने पड़ रहे हैं, ये भी इसका एक भाग है, इसे भी हम फाइनेंस कॉस्ट के अंदर शामिल करेंगे। इसके अलावा और भी कुछ होता है जिसे ऋण प्रोसेसिंग फीस, ऋण प्रोसेसिंग फीस अगर आपको ध्यान हो तो ये हमारे इसके अंदर आई थी रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, कहां पर, वित्तीय कंपनी के अंदर, लेकिन वहां वित्तीय कंपनी जो है वो ऋण प्रोसेसिंग फीस प्राप्त कर रही थी, रिसीव हो रही थी कंपनी को, यहां पर कंपनी खुद ऋण ले रही है और बदले में ऋण के प्रोसेसिंग के रूप में फीस दे रही है। जैसे कंपनी को ऋण चाहिए, बैंक जाएगी और बैंक उससे ऋण प्रोसेसिंग फीस लेगा, तो बैंक के लिए वो इनकम है लेकिन कंपनी के लिए वो खर्चा है, तो उसे हम वित्तीय कोष में शामिल करेंगे। ऐसे ही गारंटी का शुल्क है जो लिया जा रहा है किसी के द्वारा कि हम आपको लोन दिला देंगे, उसके बदले में कोई गारंटी शुल्क लिया जाता है, या ऋण को जमा एकत्रित करने के लिए दी जाने वाला कमीशन, ये हमारे वित्तीय कंपनी में मिलता है। बैंक है, डाकघर है या बीमा है, वो क्या करती है, एजेंट नियुक्त कर देती है और उनको कहती है कि आप प्रीमियम जमा करिए, लोग बनाइए हमारे पास लेके आइए और हम बदले में आपको कमीशन देंगे, तो वहां पर वो जो कमीशन दिया जा रहा है एकत्रित करने के लिए, प्रीमियम एकत्रित करने के लिए, जमा एकत्रित करने के लिए, तो वो भी कैसा खर्चा माना जाएगा, फाइनेंस कॉस्ट में। तो इस तरह से हमारे ये फाइनेंस कॉस्ट होती है, अर्थात ऋण एक तो ब्याज दिया जाए और दूसरा पैसा प्राप्त करने के बदले में जो भी भुगतान किया जा रहा है वो इसके अंदर आएगा। इसके बाद आता है हमारा डेप्रिसिएशन एंड अमर्जेशन एक्सपेंसेस। डेप्रिसिएशन क्या है, मूर्त संपत्तियों पर जो ह्रास लगता है, अर्थात मूर्त जो संपत्तियां होती हैं उनका मूल्य अगर कम होता है तो उसे हम ह्रास कहते हैं। जैसे फर्नीचर खरीदा 10,000 का, धीरे धीरे इसका मूल्य कम होगा तो इसे हम ह्रास कहेंगे, और इस ह्रास राशि को हम किसके अंदर दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमर्टाइजेशन एक्सपेंसेस में। ह्रास केवल मूर्त संपत्तियों पर नहीं लगता, अमूर्त संपत्तियों पर भी लगता है, उनका मूल्य भी कम होता है। उनका मूल्य कम होता है जैसे आपकी ख्याति या पेटेंट है, इनका मूल्य कम होता है धीरे धीरे, तो इनका मूल्य अगर कम होता है तो उसे कहते हैं प्रत्युत्सर्जन अर्थात अमर्जेशन। तो स्थाई और अस्थाई दोनों प्रकार की संपत्तियों का मूल्य कम होगा, तो जो कम होने वाली राशि है उसको हम कहां दिखाएंगे, डेप्रिसिएशन एंड अमर्जेशन में। इसके बाद आता है हमारे लास्ट जो है अदर एक्सपेंसेस। अदर एक्सपेंसेस में वो सब खर्चे आएंगे जो यहां से शुरुआत से लेकर अंत तक अब तक नहीं आए हैं, वो सारे सारे अदर एक्सपेंसेस के रूप में आएंगे। तो एक बहुत बड़ा क्षेत्र होता है इसका, इसके अंदर मुख्य रूप से जैसे गाड़ी भाड़ा है, चाहे वो इनवर्ड हो, आउटवर्ड हो, या कैरिज हो, फ्रेट हो, लूज टूल्स हो जिनका उपयोग कर लिया गया है, नहीं तो इन्वेंटरीज में आएंगे लूज टूल्स, लेकिन जिनका उपयोग हो गया है उनको हम यहाँ दिखाएंगे। स्टेशनरी है, निर्माण एक्सपेंसेस है, किराया दर एम कर, कर के बारे में जान रहे, यहाँ इनकम टैक्स इसमें शामिल नहीं होगा,
अदर एक्सपेंसेस में इनकम टैक्स नहीं आएगा, आयकर नहीं आएगा। व्यापारिक व्यय है, ट्रेड एक्सपेंसेस है, जनरल एक्सपेंसेस है, सामान्य एक्सपेंसेस है, ऑडिट फीस है, हमारे रेलवे भाड़ा, रेलवे फ्लैट है, बहुत सारे खर्चे होते हैं जो इसके अंदर आएंगे। स्थायी संपत्तियों के विक्रय से होने वाली हानि, स्थायी संपत्तियों को बेचने से लाभ होता है तो वो हमारी अदर इनकम है, और हानि होती है तो अदर एक्सपेंसेस है। ऐसे ही आपका ट्रेडिंग एक्सपेंसेस है, या कमीशन दिया, रेंट दिया, रेंट पेड है, रेंट है, कमीशन है, इंटरेस्ट दिया, इंटरेस्ट दिया कहाँ आएगा? फाइनेंस कॉस्ट में, इसमें नहीं आएगा। इसी प्रकार हमारे एक और आता है उत्पादन शुल्क का भुगतान, इसके बारे में हमारा पहले पढ़ चुके। उत्पादन शुल्क कहाँ आता है? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में हम लेस करते हैं। अगर गैर वित्तीय कंपनी है तो गैर वित्तीय कंपनी में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ज्ञात करते समय एक्साइज ड्यूटी को लेस किया जाएगा, लेकिन यहाँ उसके साथ ये लिखा हुआ है का भुगतान पेड किया है हमने तो वो खर्चा है, और खर्चे को हम कहाँ दिखाएंगे? अदर एक्सपेंसेस में। तो ये पूरा वर्ड होना चाहिए एक्साइज ड्यूटी पेड, खाली एक्साइज ड्यूटी लिखी है तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन में, और एक्साइज ड्यूटी पेड लिखा हुआ है तो वो हमारे अदर एक्सपेंसेज में आएगा। इसके अलावा बहुत सारे खर्चे होते हैं जो आपके बुक में दिए हुए हैं, उनको आप एक बार रीड करिए, प्रैक्टिस कीजिए। तो ये सारे खर्चे होते हैं, ध्यान फिर से देख लीजिए। कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम्ड केवल निर्माण संस्था में आता है। चेंज इन इन्वेंटरी में दो भाग हो जाएंगे इसके, सॉरी परचेज ऑफ स्टॉक ऑफ ट्रेड, माल का क्रय, ये जो बून में होता है जहां वस्तु को क्रय करके बेचा जाता है, और चेंज इन इन्वेंटरी के दो भाग होंगे, फिनिश गुड्स और वर्क इन प्रोग्रेस एक साथ आएगा और स्टॉक इन ट्रेड अलग आएगा। इसके बाद तो ये सारे खर्चे जोड़ने के बाद टोटल रिवेन्यू और टोटल एक्सपेंसेस दोनों का अंतर होता है नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट बिफोर टैक्स। अब यहां ध्यान देने वाली क्या बात है कि टैक्स की रेट इस पर होती है हमेशा 40%, जैसे लिखा हुआ है 40% टैक्स, तो 40% टैक्स जो होता है वो होता है प्रॉफिट बिफोर टैक्स का 40%, तो ये ऑटोमेटिकली कितना जाएगा 60%, और ये हमारा 100% माना जाएगा। जिस पर टैक्स की रेट होती है वो 100% होता है। जैसे आपके यहाँ 5,000 आ गया नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, 5,000 आ गया और टैक्स रेट दी हुई है 40%, 40%, तो 40% का मतलब 5,000 का 40% 2,000 घटा देंगे तो ये हमारा जाएगा प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कितने 3,000, 3,000 जो है वो कितने परसेंट है 60%, क्योंकि 100% में से 40% घटाने के बाद बचता है 60%। तो इस तरह से हमारा ये कंपनी के अंदर प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट बनेगा। इनमें प्रत्येक मद को ज्ञात करने के लिए नोट टू अकाउंट बनेगा, और नोट टू अकाउंट किस तरह बनाया जाता है वो हम पहले जैसे बैलेंस शीट में बनाते हैं उसी तरह से इसमें बनाएंगे।